सर मेरे पास ये डेटा है सर, मुझे कलर्ड फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दीजिए। कोई बात, ये डेटा है आपके पास? जी सर। ठीक है, यही डेटा है ना, इसी को बनाना है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट, लिया लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है क्या क्या रखना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डिलीवर DELIVER, फिर कामा डालना है, उसके बाद पैकड PACKED, उसके बाद लिखना है इन ट्रांजिट, INTRANSIT। ठीक है, तो ये आपके पास सोर्स है, ओके मैंने किया। देखो यहाँ पे जो ही मैंने ओके किया तो आपके पास ये आ गया। अब हम इसको कलरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से एक दफा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे होम में, होम में हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स में जाएंगे इक्वलेंट। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको पैकड, तो यहाँ पे मैंने पैकड लिखा, सबसे पहला हमारा पैकड है, तो इसको मैंने ये वाला कलर दिया, ओके करता हूँ। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से यही जाएंगे इक्वल टू रखेंगे, और यहाँ पे डिलीवर DELIVER, इसको हम ये वाला कलर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से ओके करते हैं, फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर इक्वल टू देंगे इन TRANSIT ट्रांजिट, इसको हम ये वाला कलर देंगे। ठीक है, ओके किया। अब देखो तो यहाँ पे हम जाएंगे, जैसे हमने इस ऑर्डर को किया पैक, तो यहाँ पे पैकड आएगा। इस ऑर्डर को हमने इन ट्रांजिट रखा है तो ये भी आएगा, तो इस ऑर्डर को हमने डिलीवर्ड किया तो ये भी आएगा। तो इसकी वजह से जो आपका पूरा लिस्ट है, एक तो ये लिस्ट की शेप में आता है और कलरफुल वे में आता है। ठीक है जी सर, ओके, थैंक यू सर।